out the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match, it ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's... Hey guys, welcome to my brand new blog. This is Vaibhav Siddharth here. And right now I am in PS University. Today, यहाँ पे दो हैकाथॉन हैं. जो पहला हैकाथॉन है उसका नाम है हैलोथॉन, जो CS ब्रांच आज कंडक्ट कर रहा है. और दूसरा हैकाथॉन है जो कमर्स ब्रांच कर रहा है, उसका नाम सिर्फ हैकाथॉन 2022 है. पहला हैकाथॉन है जो हैलोथॉन है, ये 24 आवर्स का चैलेंज है और आज से स्टार्ट हो रहा है. जो टाइमिंग तो है ये भी 5 बजे से स्टार्ट हुआ और कल 5 बजे तक चलेगा. तो ये एक हैकाथॉन है जिसका पार्ट हूँ मैं और दूसरे हैकाथॉन में भी मैं जा रहा हूँ. तो चलो अभी चलते हैं. आई थिंक जो टाइम तो हो चुका है. सो हैकाथॉन में बहुत लोग आए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये नहीं करना तो रुको, मैं आपको दिखाता हूँ कितने लोग हैं. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the flame. You'll be uploaded inside that there. So right now you will be escorted along with our तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो क्राइस्ट के ही आए हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो, और जितने भी जो कोर्ट वाले हैं सब क्राइस्ट के. एंड वी आर हियर. ओके, फर्स्ट टीम, फर्स्ट टेन टीम. तो अभी चलते हैं, हमें वेन्यू के लिए बुलाया गया, कुछ पेपर वर्क है तो उसे भी कर रहे हैं. तो देख रहे हो हमारी जो टीम का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो बैग का यहाँ पे चेकअप हो रहा था. और जो चार एंड देखो, और ये है हमारा दोस्त जो हमारा जो टीम लीडर है. या चार होंगे हम लोग, 104 लोग वैसे है भी नहीं थे. हमारा जो टीम नंबर है जो 4 है, राइट. तो देखो क्या, हाँ तो ये लोग हैं. सो ब्रिलियंट गाय, और मैं भी हूँ थोड़ा सा. सो वी आर वेरी नर्वस, लाइक शो योर हैंड. लाइक ये अपना आईडी है ना, दिस आर आईडी. ये तो इथरनेट है सब कनेक्टिविटी के लिए. और यहाँ पे एक सबको पेन दिया गया, लाइक कि यहाँ पे अपने आप लोग अप्रोच को लिख सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे अप्रोचेबल है, स्पॉन्सर्ड नोटबुक है. और ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा वेन्यू है जहाँ पे हमारा होने वाला है क्या हैकाथॉन. देख सकते हो यहाँ पे मेनी कंपटीटर्स आ रहे हैं, एंड यहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइस्ट किंग लोग आ रहे हैं. और देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे बहुत मैच्योर लोग भी आ रहे हैं. वी आर वेरी कंफ्यूज कि हम लोग मास्टर्स हैं तो हम प्ले यहाँ पे इन लोगों को कैसे टक्कर दे पाएंगे. और यहाँ पे अपना दोस्त है, ये भी सोचा है कि ये क्या करे. एंड ही इज़ माय जो टीम लीडर, आप इसको जानते होंगे, इससे पहले आपने इसको वीडियो में देखा है. एंड आप इसको देख ही रहे होंगे, इसका नाम अभिषेक है, राइट. हाँ, एंड अभी धीरे धीरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं. और अगर मैं बताऊं कि हमारे जो नंबर कितने हैं, तो वी आर द टीम 4 हियर. एंड या सम कनेक्शंस आ रहे हैं. ओके, तो और भी मैं अपडेट देते रहूँगा. यहाँ से, यहाँ पे वाईफाई को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड वाला. सो तो वही अभी हमारा सीट मिल चुका है और हम अपने टीम के साथ बैठे हुए हैं. और या अभी हम ये सोच रहे हैं हमें क्या मिलने वाला है, ऐसे कौन सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है. वी जस्ट स्केर्ड अबाउट कि आज कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलता जैसे हमें आज कुछ प्रॉब्लम हो या मुझे नहीं है. यस, वी आर फ्रॉम द CS ब्रांच एंड मैंने हम लोगों ने कुछ कमर्स ब्रांच में हमने इनरोल करा है. बिल्कुल इसमें देखो द थिंग इज़ कि यहाँ पे ये चीज़ करना है कि हमें एक अपना प्रोडक्ट बनाना, हमें एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना और इसे अच्छे से एग्जीक्यूट करना है. लाइक इट्स ऑल अबाउट आप कितना सही हो और किसी बिजनेस को बड़ा बनाने में, छोटे बिजनेस को जीरो इन्वेस्ट करके. तो यहाँ पे हमें एक्टिवली वो करना है और वी जस्ट थिंक अबाउट आर इनिशिएटिव टेक माई टू वर्क आउट. उसके बारे में हम सोच रहे हैं कुछ, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो जस्ट वी थिंकिंग अबाउट इट कि हमें क्या करना है. सो द सुमित इज़ ऑल्सो देयर. यहाँ पे सुमित भी कुछ ना कुछ सोच ही रहा है. तो यहाँ पे सुमित भी कुछ ना कुछ सोच ही रहा है कि हमारा जो टॉपिक होगा क्या. और यहाँ पे अपना जो टीम लीडर, यहाँ पे अपना टीम लीडर जो ये भी कुछ सोच रहा है कि अपन को क्या करना है आज. ओके, तो चलो मिलते हैं कुछ देर बाद में, कुछ और अपडेट के साथ मिलेंगे.
अभी हमारा जो आइडिया यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले कि सुपर टेक अप आइडिया अभी था एंड उसके बाद हम इसे एक्सिक्यूट करेंगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन को दे दिया गया और हम उसे फॉलो करके हमें एक प्रोडक्ट इसका फाइव करोड़ लाइक दैट। सो तो अभी अपन का पूरा जो टॉपिक ऑपिक सब कुछ चेंज हो गया और अभी अपन को मिला है ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अच्छा स्टार्टअप खोलने का मौका, बट वी डोंट नो।
अभी ऐसा होने वाला है 8 PM तक हमें एक तो टाइम लाइन दिया गया है अपने आइडिया को या प्रेजेंट करने को, सबके सामने अपने आइडिया को प्रेजेंट करना है 8 PM तक। अगर आइडिया लिस्ट हो गया तो हम लोग नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो देखो क्या होता है, सो विल थिंक अबाउट इट। एंड एक्चुअली मैं बताऊँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो भी आइडिया सुमित को है तो सुमित है। एंड देखो आगे क्या होता है। सो गाइस दिस वी जस्ट टॉक अबाउट दिस मोटर बाइक आइटम्स, क्योंकि हमें बहुत रैंडम आइटम मिला है। हम देखते हैं आगे हमें क्या क्या होता है, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और अभी देखते हैं। हमें क्या करना है कि बाइक के हर एक पार्ट से बाइक का बहुत सारे पार्ट्स हैं, 30 पार्ट्स आ गए। सेलिंग के लिए भी अपने को बोला है1 lakh 1 crore What innovation you can do in it? 1 lakh production पे तो depend करेगा, अपने कोई product बनाना है production में कितना लगेगा। So guys, main problem is we are just confused about e-rickshaw and all. ऑटो रिक्शा के बारे में हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें जो भी जितने भी वो लोग, सो अभी हम यही सोच रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा आइडिया मिल जाए और उसके बाद हम लोग वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट। भाई तो अपने को एक्सेस मिल चुका है जो फूड का कूपन, अभी का जो खाना होगा यहीं पे होगा क्योंकि हैकाथॉन्स में ही आए हैं, तो सारा कुछ खाना नाश्ता चाय पानी सब कुछ यहाँ मिलता है। तो जो 24 आवर्स के लिए हैकाथॉन्स है और हम लोग यहाँ पे है। ओके, 3 पीपल बहुत बेटर देन एक्सॉन इज़ अ गुड थिंग। इलेक्ट्रॉनिक किसका स्पेलिंग अच्छा है ये बताओ। हाँ स्पेलिंग किसका अच्छा है तो यहाँ पे स्पेलिंग का अच्छा है मैटर। इलेक्ट्रॉनिक एक्सॉन इज देयर बाइक कंपनी, बाइक इज ए बाइक कंपनी, बाइक व्हाट इलेक्ट्रिक बाइक प्रोड्यूसर। तो अभी हम अपना कंपनी बना के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, बस इलेक्ट्रिक वी आर एस इलेक्ट्रॉनिक बाइक प्रोडक्शन प्रोडक्शन कंपनी, विल गिव यू बाइसाइकिल ऑटोमेटिक कंपनी ऑटोमेटिक में आ जाएगा। या ये ऑटोमेटिक में आ जाएगा। हाँ वो आ गया बाइसाइकिल मैटर ऑटोमोटिव लिखेंगे ना ऑटोमोटिव है यूट्यूब
ऑटोमेटिक सुबाई साइकिल ऑटोमोटिव प्रोडक्शन स्कूटर या स्कूटर स्कूटर ई स्कूटर या एस सी डब्ल्यू टी कंपनी का नाम चेंज करेंगे ई स्कूटर एक्सॉन हो गया इलेक्ट्रॉनिक एक्स फैक्टर होगा इसके अंदर में फोर फील्ड ऑफ कंपनी तो यहाँ पे हम लोग जो कोर फील्ड ऑफ द कंपनीज के बारे में लिख रहे हैं तो हमने जो 5 करोड़ जो कंपनी का दे दिया वर्थ बैंगलोर लोकेशन बैंगलोर एंड जल्दी से करते हैं क्रिएट क्रिएट कंपनी यस या भाई हो चुका है यस 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 ये अपना हो चुका है अपने अब हम लोग अपने कंपनी के वेन्यू के बारे में सोचते हैं हमें क्या करना है अभी तक सिर्फ जो 34 कंपनीज ने रजिस्टर किया है और हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है यस तो हमने अपना स्टार्टअप बना लिया है एक्सॉन ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्स का मतलब होता है एक्स फैक्टर और उसको हम ऑन कर रहे हैं तो ये एक ई बाइक है और मैं इसके बारे में अभी ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमने सब कुछ कर लिया अब हमने सारा टारगेट कर लिया और हमने जो बेस प्राइस रखा है हमें कितना चाहिए एज अ फंड हमें 5 करोड़ चाहिए क्योंकि वी आर अ प्रोडक्ट इस कंपनी हम लोग कर रहे हैं ठीक है अब हमें बाइक करना है आगे क्या होता है ठीक है तो इसमें तो हम लोग का टॉप 30 में है अभी हम लोग को और भी आगे जाना है तो वी जस्ट थिंक अबाउट इट आगे क्या होता है और गाइस इसका मतलब ये है कि मैं हैकाथॉन में आपसे ये शेयर कर रहा हूँ व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस लाइक ओके सो आगे देखते हैं क्या होता है अभी देख सकते हो आप स्टूडेंट में कितनी ज़्यादा उससे बेचैनी है अभी हम लोग अपना प्रोजेक्ट को सबमिट करना है तो देखो अभी कर रहे हैं Make complex diamond tubes using a stress bencher. Yeah. अगर कोई मॉल कोई मैन्युफैक्चर कैसे होगा ये बिकॉज वी सेल ओनली मोपेड्स वी डोंट मेक दिस डू वी हैव टू गेट इन टू मैन्युफैक्चरिंग दिस We are making mopeds. What is your bike? Make a bike, they need parts. और इसमें हम लोग मजदूर का भी यूज़ कर सकते हैं लेबर्स तो चाहिए लेबर्स तो चाहिए इसमें हाँ उसका हम सोचेंगे बट इसका ये स्क्रैप से हम लोग कर सकते इसका क्या यूज होता है दिस इज फाइबर फाइबर इज लाइक बेसिकली आउटसाइड
कैसे को मेल्ट किया, मोल्ड में डाला, डेट सेट बन गया, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, इसके इसका अगर हम लोग बाइक बनाएंगे तो डेट विल बी ब्रेक ब्रेक हो जाएगा, बट वी आर यूजिंग दिस सो हाउ इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक अगर हम जो स्टील की तरफ जाते हैं तो वो स्टील इज स्ट्रॉन्ग लाइट वेट दैट्स द एडवांटेज वी हैव ईवी है दैट इज एडवांटेज या ईवी है बट कम एनर्जी कंज्यूम होगा वेट कम होगा कार्बन भी कार्बन इको फ्रेंडली है नहीं ना बिकॉज वी कैन हाँ या दैट इज बिकॉज वी कैन एंटायर मूव स्क्रैप आवर एंटायर मोटर इज हाँ हम ये बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे हाँ ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है the most सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इट इज लाइक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सुनो क्या है नॉन इको फ्रेंडली नहीं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये मॉल्स बनाने के लिए स्पेस बहुत फैक्ट्री में सुनो तो हम अगर जो प्रोडक्शन में अगर हम प्राइस कम लगता है तो वहाँ तो स्पेम कर सकते हैं ना राइट वही काम कर बैक ऑप्शन बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है मतलब हमको एक से दो चाहिए होगा फैक्ट्री स्क्वायर फीट के लिए स्क्वायर फीट या 1 एकड़ भाई 1 एकड़ को 4.560 स्क्वायर का मतलब दिस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लैंड एक 1 एकड़ इज अ वेरी स्मॉल प्लेस ओ सो वी नीड अ कॉस्ट ऑफ लैंड इज टू हाई व्हाट इज दिस व्हाट इज वी नीड आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ एक अगर हम लोग लोकेशन के हिसाब से करते ना हम लोग रेंट भी कर सकते हैं रेंट करेगा भाई वेयर इज दैट एक्सक्यूज मी तो कितना चाहिए 2 करोड़ चाहिए सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ लैंड एक्चुअली 2 करोड़ तक हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं लैंड में नहीं कर सकते तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें से 5 करोड़ लिया गया था हमने 7 करोड़ 20 लाख का हमने सामान मैंने कही 2 करोड़ 20 लाख अभी हम घाटा में चल रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा बैटरी से कम करना पड़ेगा ठीक है चलो या लैंड से कम करो या बैटरी से कम करो एवरी डे
प्राइस तो हैकाथन में हमें जो डिनर का कूपन मिल चुका है, हम तीनों को मिल चुका है अलग अलग सबको प्रोफेशनल। एंड अब हम जाने वाले हैं 2.5 करोड़ के लॉस के बाद डिनर करने, तो देखते हैं हमारा डिनर कैसा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने 2.5 करोड़ का लॉस किया है, बट मैंने जब अदर्स टीम को देखा तो वहाँ पे 40-40 करोड़ का भी लॉस वहाँ पे गया है। सो अब हमें लग रहा है कि हमने सही करा है, क्योंकि अब हमें सबका सुन के अच्छा लग रहा है। एंड या जो हमारी जो सामने वाली जो टीम है जो क्राइस से आई थिंक 3 है, सो वो भी 2 करोड़ लॉस में गया हुआ। Guys, right now we are going to have lunch, you know. We have got. You know, we are in loss of course. After watching someone else was in loss, we are more confident. We are now more free. Let's see how it goes. Actually, हम ये सोच रहे थे डिनर के बहाने हम लोग भाग जाएंगे, क्योंकि हमारा 2 करोड़ का लॉस है, 2 करोड़ नहीं 2.5 करोड़। बट मैंने दूसरों का देखा ना, तो दूसरे लोग होते हैं 50-50 करोड़ के लॉस में। जो आल्सो डिड दिस ब्लंडर, सेम ब्लंडर, आई थिंक एवरीवन इज डूइंग दिस। सो ब्रो, अभी चलते हैं, अभी खाना खाने, एक्चुअली डिनर करते हैं, देन सम काम है, लाइक गेम स्टार्ट। फूड इज इंपॉर्टेंट, फूड इज इंपॉर्टेंट, माइंड इज नॉट वर्किंग राइट, सो वी विल गो गाइस, चल रहे हैं अभी, काम ही करना की चल रहा है, खाते हैं यार, विल गो लेट्स गो, थैंक यू ब्रो। तो अभी मैं बताऊं कि बेंगलोर का जो होता है टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, तो अभी व्हाट इज द टेम्परेचर हियर एक्चुअली? टेम्परेचर इज अराउंड 15-16 डिग्रीज, व्हिच इज विल गो देयर एक्चुअली। सो ये है अपना हैकाथॉन्स का डिनर, एंड देखो डिनर में क्या क्या मिलता हमें। सो वी हैव कूपन ब्रो, ये अपना खाना है हैकाथॉन का, ये देख सकते हो। और एक्चुअली हाँ, अभी लोग खाना खाते समय भी अपने लॉस को सोच रहे हैं। सो हाउ इज़ द फूड? ओके, ये हाउ इज़ द फूड? ओ या कैसे हो? सो नाउ विल टेस्ट। नाउ वी आर इन लॉस, हमें 5 करोड़ दिया गया था एक कंपनी को बिल्ड करने के लिए, एंड हमने एक बहुत बड़ी गलती ये कर ली कि हमने उसमें कॉस्ट इफेक्ट नहीं जोड़ा, हमने उसे कैलकुलेट नहीं करा, और बाद में हमें ये पता चला कि हमें फंडिंग लिया है जबकि 7.5 करोड़ का हमने सामान ले लिया, सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड सबको मिला के हम 7.5 करोड़ में जा चुके हैं। एक्चुअली हम लोग 2.5 करोड़ लॉस में चल रहे हैं, तो वी जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखा कि अगर आप हैकाथॉन में आते हो ना, तो आप एक चीज़ ज़रूर सीखते हैं ना, एक्सपीरियंस, यू गेन मेन एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत लोग क्राइस से आए हुए हैं, उन्होंने भी ये गलती करी है, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग भी आए हैं। एक ने जो टीम 44 था, तो सोने ने जो उनका लॉस है 50 करोड़ का लॉस है। Hi guys, we just did the presentation part and to be honest, I fucked up. Yeah. I got nervous on the middle. Actually, some company has asked many questions, but we didn't get it actually. Actually, we got 3 conversions. 3 were interested in us. Actually, the scene was like this. There is 30 product company and there is 30 service based company. So service based company are hiring product based companies for their projects. So we were asked for transportation service. That was our. So 3 companies reached us out. Yeah. Let's see how it goes. This is our first presentation. Chal kahani suna. Okay. Koi nahi bhai. It's all about the luck. अपन को 3 अरे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जीतने का नहीं, जीतने का नहीं, एक्सपीरियंस जो मिल चुका। यस या सो समरी ऑफ द स्टोरी इज 3 ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी सॉरी सर्विस कंपनी रीच्ड आउट
So that this is a good thing. So this is all about our story. Well, let's see कल क्या होता है. We did our best actually. Actually, right now we don't know what we have to do. We asked our coordinator, assistant, or whatever they were. They said just relax. Bro, so bro, what is the time right now? The time is 11:30 right now. Oh yeah, yeah. Okay, guys. Time is 11:30 right now. 11:30. Okay, we are so tired. फिर से मिलते हैं. Okay, yeah. बाय. कॉफी ब्रेक हुआ वाला एंड यहाँ पे देखो अभी एक्शन चल ही रहा है. तो हम ये सोच रहे थे अभी टीम के साथ बात कर रहे थे कि हम किसी को फंडिंग करें या नहीं. तो अभी 12 बजने वाला है और अभी तक इन्फ्यूजन चली है. सो गाइज अभी मैंने एक ये देखा, देखो अभी तो नींद आ रहा है ना, तो इनका प्रेजेंटेशन हो चुका है तो ये अभी सो रहे हैं. और देखो ये भी कैसे सो रहे हैं, ये देख सकते हो. ओके गाइज हमारा तो हो चुका है. मैं इस वीडियो को अभी एडिट करके डाल दूंगा, इसका जो पार्ट 2 आने वाला वो आगे देखूँगा.